चुनावी माहौल आते ही नेताओं की जुबानी जंग तेज हो जाती है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो एक दूसरे पर हमलावर हुए राजनीतिक दल अपनी भाषा का भी ख्याल नहीं रखते। नेतागण अपनी ओछी राजनीति के चलते न सिर्फ राजनीतिक गरिमा बल्कि भाषा की मर्यादा को भी तार तार कर देते हैं। इन दिनों कांग्रेस नेता संजय निरुपम बीजेपी के बढ़ते जनाधार से इतने बौखलाए हुए हैं कि सीधे देश के पीएम मोदी को ही टारगेट कर बैठे। यूं तो अपने विवादित बयानों से संजय निरुपम कई बार सुर्खियों में आए हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। निरुपम ने पीएम मोदी को सीधे सीधे अनपढ़ गवार करार दिया है। क्या है ये पूरा मामला, ये बताने से पहले आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी के खिलाफ निरुपम के तीखे बोल। मोदी जी के ऊपर कोई फिल्म बनी हो दिखाने की जबरदस्ती की जा रही है, ये सरासर गलत है। हमारे बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मोदी जैसे अनपढ़ गवार के बारे में जान के उनको क्या मिलने वाला है? क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज तक हमारे देश के नागरिकों को, बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री कितनी है। और जब डिग्री मांगा जाता है तो पूरा जो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी बना कर देता है, तमाम RTI के एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ऐसे मोदी जी, ऐसे प्रधानमंत्री जी जो कितना पढ़े हैं किसी को नहीं मालूम है, उनके बारे में पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बता करके मुझे लगता है लोगों को पढ़ने लिखने से और भी प्रेरित करने के बजाय उनकी प्रेरणा और कम हो जाएगी। मंगेश हडवले की फिल्म चलो जीते हैं करीब आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, जो कि पीएम मोदी के जीवन पर आधारित है। फडणवीस सरकार ने स्कूली बच्चों को ये शॉर्ट फिल्म दिखाने का फैसला किया है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है और संजय निरुपम तो बुरी तरह से भड़के हुए हैं। बौखलाहट में निरुपम अब पीएम मोदी की डिग्रियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो वही मानसिक रोगी भी बता रहे हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। इससे पहले पिछले साल गुजरात चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा था, और इससे पहले जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे तब पार्टी की आला कमान सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर बताकर राजनीति में भूचाल ला दिया था। 2019 चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं के जहरीले बोल न सिर्फ राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं बल्कि कांग्रेस की डूबती नैया में भी मदद कर रहे हैं।